नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। भगवान श्री कृष्ण के चमत्कार और लीलाओं के बारे में कौन नहीं जानता है। वह भगवान विष्णु के अवतार थे, वह जो चाहे वो कर सकते थे और कई मौकों पर किया भी था। लेकिन एक ऐसा भी मौका आया था जब श्री कृष्ण को रणभूमि छोड़कर भागना पड़ा था, जिस वजह से उनका नाम रणछोड़ पड़ा था। अब आप सोच रहे होंगे कि वे तो भगवान थे, फिर उन्हें किसी से भागने की क्या जरूरत थी। दरअसल इसके पीछे एक बेहद ही रहस्यमय कहानी है, जिसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। यह कहानी कुछ इस तरह है कि एक बार मगधराज जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारा था। लेकिन वह सिर्फ अकेले नहीं, बल्कि उसने श्री कृष्ण के खिलाफ युद्ध के लिए यवन देश के राजा काल्यवन को भी अपने साथ मिला लिया था। दरअसल काल्यवन को भगवान शंकर से ये वरदान मिला था कि न तो कोई चंद्रवंशी और न ही कोई सूर्यवंशी उसको युद्ध में हरा सकता है। उसे न तो कोई हथियार मार सकता है और न ही कोई अपने बल से हरा सकता है। भगवान शंकर से मिले वरदान की वजह से काल्यवन खुद को अमर और अजय समझने लगा था। उसे लगने लगा था कि कोई भी उसे युद्ध में हरा नहीं सकता है और न ही मार सकता है। जरासंध के कहने पर काल्यवन ने अपनी सेना के साथ मथुरा पर आक्रमण कर दिया। अब चूंकि श्री कृष्ण जानते थे कि काल्यवन को वो अपने बल से मार नहीं सकते और न ही उनका सुदर्शन चक्र उसका कुछ बिगाड़ सकता है, इसलिए वो रणभूमि छोड़कर भाग गए और एक अंधेरी गुफा में पहुंच गए। श्री कृष्ण जिस गुफा में जाकर छुपे हुए थे, उसमें पहले से ही इक्ष्वाकु नरेश मांधाता के पुत्र दक्षिण कौशल के राजा मुचकुंद गहरी नींद में सोए हुए थे। दरअसल उन्होंने असुरों से युद्ध कर देवताओं को जीत दिलाई थी। लगातार कई दिनों युद्ध करने की वजह से वह थक गए थे, इसलिए भगवान इंद्र ने उनसे सोने का आग्रह किया और उन्हें एक वरदान भी दिया, जिसके मुताबिक जो कोई भी उन्हें नींद से जगाएगा वह जलकर भस्म हो जाएगा। राजा मुचकुंद को मिले वरदान की बात श्री कृष्ण को पता थी, इसलिए वो काल्यवन को अपने पीछे पीछे इस गुफा तक ले आए जहाँ राजा मुचकुंद सोए हुए थे। श्री कृष्ण ने काल्यवन को भ्रमित करने के लिए अपना पीताम्बर राजा मुचकुंद के ऊपर डाल दिया। राजा मुचकुंद को देखकर काल्यवन को लगा कि वह श्री कृष्ण ही है और उससे डरकर अंधेरी गुफा में छुपकर सो गए हैं, इसलिए उसने श्री कृष्ण समझकर राजा मुचकुंद को ही नींद से उठा दिया। अब राजा मुचकुंद जैसे ही नींद से उठे, काल्यवन वहीं जलकर भस्म हो गया। असल में यह भगवान श्री कृष्ण की एक लीला ही थी। उन्होंने महाभारत के युद्ध में गीता का उपदेश देते हुए कहा भी था कि सृष्टि में जो कुछ भी होता है उन्हीं की इच्छा से होता है, तो जाहिर है काल्यवन का अंत भी उन्हीं की इच्छा से हुआ था। इस रोचक और शिक्षाप्रद यात्रा में हमने देखा भगवान श्री कृष्ण के उपनाम रणछोड़ के पीछे छिपे गहरे अर्थ और महत्व को। इस अद्वितीय देवता के विचारों और आदर्शों के साथ हमें एक नया दर्शन मिलता है। हमें यह दिखाता है कि भगवान के नामों में छिपे हुए गहरे अर्थों का अध्ययन करके हम अपने जीवन में ध्यान केंद्रित करके और आध्यात्मिक विकास को प्राप्त कर सकते हैं। हमें आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े ताकि आप हमारी आगामी वीडियोस का आनंद ले सकें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।